दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मौखिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बुनियादी यानी बेसिक कमांड्स का अध्ययन करेंगे। मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही हूँ। हम यह मान रहे हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत कैसे करना है ये आपको पता है। अगर इसके बारे में जानना है तो यह www.spoken-tutorial.org वेबसाइट पर एक दूसरे ट्यूटोरियल में मौजूद है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कमांड्स क्या हैं और कमांड व्याख्याकार या इंटरप्रेटर क्या है। फिर हम सीखेंगे कि मैन कमांड के इस्तेमाल से लिनक्स में हेल्प कैसे पता करें। अब पहला सवाल है कि कमांड्स क्या हैं? सरल शब्दों में कहें तो लिनक्स कमांड्स ऐसे शब्द हैं जो दिए जाने पर कुछ एक्शन या कार्य करते हैं। लिनक्स कमांड शायद ही कभी चार से ज्यादा अक्षर के होंगे, जैसे कि ls, who, ps। कमांड्स लोअर केस में होते हैं तथा वे केस सेंसिटिव हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एप्लीकेशन मेनू में जाएं, एक्सेसरीज को चुनें और फिर उपलब्ध ऑप्शंस में से टर्मिनल पर क्लिक करें। अब हम एक प्रॉम्प्ट देख सकते हैं और ठीक उसके साथ एक कर्सर भी देख सकते हैं। यहीं पर हमें कमांड टाइप करने हैं। Who टाइप करें और एंटर प्रेस करें। हम उन यूजर्स के नाम देख सकते हैं जो लॉग्ड इन हैं। असल में हमने अभी एक कमांड को एग्जीक्यूट यानी निष्पादित किया है जो है who, जो कि बताता है कि कौन-कौन सिस्टम में लॉग्ड इन हैं। लेकिन ये कुछ अक्षरों की कौन सी चीज या एंटिटी है जो इन कमांड्स को एक्शन में बदलती है? ये काम कमांड इंटरप्रेटर का है, जिसे शेल भी कहते हैं। हम एक शेल को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम है जो हमारे और लिनक्स सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स एंटर करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। लिनक्स में मल्टीपल यानी विविध शेल्स इंस्टॉल करना संभव है और जहां उपयोगकर्ता अपने पसंद से उन्हें चुन सकते हैं। लिनक्स पर मानक यानी स्टैंडर्ड शेल जो हमेशा /sh के रूप में रहते हैं, उसे bash the GNU born again shell कहते हैं, जो GNU suite of tools से हैं। कमांड्स जो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे वह काफी सामान्य हैं और जो अधिकांश लिनक्स शेल्स पर चलते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में प्रदर्शन करने के लिए bash का प्रयोग करेंगे, वो इसलिए क्योंकि यह एक लोकप्रिय शेल है और लगभग सभी यूनिक्स के लिए वहनीय यानी पोर्टेबल है। दूसरे शेल्स हैं bourne shell जो कि मौलिक यूनिक्स शेल है, c shell और corn shell। कौन सा शेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह देखने के लिए टर्मिनल विंडो पर जाइए और यह कमांड टाइप कीजिए, echo space $ shell capital में और एंटर प्रेस करें। सामान्य रूप से आउटपुट है /bin/bash जो हमें bash shell देता है। काफी तरीके हैं जिससे हम अलग-अलग शेल्स को सक्रिय कर सकते हैं, जो कि एडवांस्ड ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। कमांड्स वास्तव में फाइल्स हैं जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो अक्सर C में लिखे जाते हैं। यह फाइल्स डायरेक्टरीज में समाहित होते हैं। कमांड का संचय कहां हुआ है इसका पता करने के लिए टाइप कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें टाइप स्पेस ps और एंटर प्रेस करें। यह बताता है कि ps कमांड असल में /bin डायरेक्टरी में संग्रहित एक फाइल है। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड देते हैं तब शेल डायरेक्टरीज की सूची में से कमांड के नाम से मिलते हुए फाइल को ढूंढता है। अगर उसका पता चलता है तो उस फाइल का समरूप प्रोग्राम निष्पादित होता है। अगर नहीं तो कमांड नॉट फाउंड ऐसा एरर देगा। खोजे गए डायरेक्टरीज की सूची पाथ वेरिएबल द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गई है, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए अगर हमें लिस्ट को देखना है तो यह कमांड टाइप करें echo space $path कैपिटल में और एंटर प्रेस करें। जब कमांड्स की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें पता होनी चाहिए, लिनक्स कमांड्स दो प्रकार के हैं, एक्सटर्नल कमांड्स तथा इंटरनल कमांड्स।
External commands वह हैं जो अलग से files या programs के रूप में मौजूद हैं। Linux में अधिकांश commands इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ commands ऐसे हैं जिनका कार्यान्वयन shell में ही लिखा जाता है, तथा वे अलग से files के रूप में नहीं होते, ये internal commands होते हैं। Echo command जो हम बाद में देखेंगे, असल में एक internal command है। Terminal पर जाइए और command prompt पर type करें। Type space echo और enter press करें। Output बताता है echo is a shell built-in। File नाम देने के बजाय यह बताता है कि echo command का कार्यान्वयन shell के लिए internal है, तो इसलिए इसे internal command कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है commands की संरचना, यानी structure of commands। Commands एक या एक से अधिक शब्द के हो सकते हैं, जो कि white spaces द्वारा अलग किए होते हैं। दूसरे केस में पहला शब्द असल में command का नाम है, जबकि दूसरे शब्द तर्क हैं, यानी arguments। Arguments options या expressions या file का नाम हो सकते हैं। स्पष्ट किए option के आधार पर एक command अलग-अलग कार्य कर सकता है। साधारणतः उसके पहले एक single या double minus sign होता है, जिसे short या long option कहते हैं। Terminal window पर जाइए और निम्नलिखित कमांड्स को टाइप करते हैं और उनके आउटपुट्स को देखते हैं। टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें, एंटर प्रेस करें, फिर टाइप करें ls और एंटर प्रेस करें, फिर से टाइप करें क्लियर और एंटर प्रेस करें, टाइप करें ls स्पेस माइनस a, एंटर प्रेस करें। टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए टाइप करें क्लियर। अब टाइप करें ls स्पेस माइनस माइनस ऑल और एंटर प्रेस करें। फिर से क्लियर टाइप करके टर्मिनल विंडो को क्लियर करें। टाइप करें ls स्पेस माइनस d और एंटर प्रेस करें। इस समय यह समझना काफी है कि कैसे ऑप्शंस में बदलाव होने पर कमांड्स का बर्ताव भी बदलता है। लिनक्स में काफी सारे कमांड्स हैं और हर एक में कई सारे अलग ऑप्शंस हैं। कमांड्स को एक साथ संयुक्त भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें दिमाग में कैसे रखें? सच में तो इसकी जरूरत ही नहीं। इसकी वजह है कि लिनक्स में उत्कृष्ट हेल्प या मदद की सुविधा उपलब्ध है। मैन कमांड सिस्टम पर उपलब्ध सभी कमांड्स पर डॉक्यूमेंटेशन या अभिलेख प्रदान करता है। उदाहरण के लिए ls कमांड के बारे में जानने के लिए आपको टर्मिनल पर जाकर ls तर्क के साथ मैन कमांड टाइप करना होगा। टर्मिनल पर चलते हैं। टाइप करें मैन स्पेस ls और एंटर प्रेस करें। बाहर आने के लिए क्यू प्रेस करें। मैन सिस्टम का मैनुअल पेजर है। हर एक तर्क जो मैन को दिया जाता है, वह साधारणतः एक प्रोग्राम का नाम, यूटिलिटी यानी उपयोगिता या फंक्शन होता है। इन तर्क से जुड़े हुए मैनुअल पेज को फिर ढूंढकर दर्शाया जाता है। अगर एक सेक्शन प्रदान किया है, यह मैन को मैनुअल में से उसी सेक्शन की ओर देखने कहेगा। डिफॉल्ट एक्शन यह है कि सारे उपलब्ध सेक्शंस में खोजें और वह भी एक पूर्व निर्धारित क्रम में और पाए गए पेज में से सिर्फ पहला पेज दिखाएं, भले ही वह पेज कई सेक्शंस में मौजूद है। मैन कमांड के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मैन कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। टर्मिनल पर जाइए, टाइप करें मैन स्पेस मैन और एंटर प्रेस करें। इससे बाहर आने के लिए क्यू प्रेस करें। मैन कमांड में कई ऑप्शंस हैं। यहाँ मैं आपको ज्यादा उपयोगी वालों के बारे में बताऊंगी। कभी-कभी हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन सही कमांड नहीं पता होते। फिर हम क्या करें? मैन माइनस की ऑप्शन प्रदान करता है, जो एक कीवर्ड को लेता है और फिर कमांड्स की सूची और उनका संक्षिप्त उद्देश्य बताता है। उदाहरण के लिए, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें सही कमांड का पता न हो, तो हम टाइप कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और टाइप करें
man space minus k space directories और एंटर प्रेस करें। अब हम हर एक कमांड्स के लिए खोज सकते हैं ताकि देख पाएं कि असल में हमें क्या चाहिए। यही चीज अप्रपोज कमांड से भी प्राप्त कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें अप्रपोज स्पेस डायरेक्टरीज और आउटपुट को देखने के लिए एंटर प्रेस करें। कभी-कभी हमें अधिक विवरण की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ ये जानना है कि एक कमांड क्या करता है। उस स्थिति में हम what is कमांड या man-f का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही कमांड के बारे में एक लाइन का विवरण देते हैं। टर्मिनल पर जाकर हम क्लियर टाइप करते हैं ताकि टर्मिनल क्लियर हो। अब टाइप करते हैं what is स्पेस ls और एंटर प्रेस करते हैं। कुछ कमांड्स में कई ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि एक कमांड के विभिन्न ऑप्शंस की सूची हम प्राप्त करना चाहेंगे। फिर हम माइनस माइनस हेल्प ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करते हैं ls स्पेस माइनस माइनस हेल्प और एंटर प्रेस करें। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगी ताकि आप इस मैनुअल पेज पर सारे ऑप्शंस देख सकें। लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल के इस भाग के लिए बस इतना ही। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख अब आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के